राहुल गांधी के आगमन पर प्रशासन सख्त है। और अगर बात करें लखनऊ एयरपोर्ट की तो कार्यकर्ताओं को जबरन एयरपोर्ट के बाहर भेजा जा रहा है। एयरपोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है। जैसे ही खबर मिली कि राहुल गांधी लखनऊ पहुंचने वाले हैं तो कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता, उनकी कोशिश है कि लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे अपने नेता के लिए। हालांकि एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिहाज से सख्ती बरती जा रही है। एयरपोर्ट के अंदर किसी को भी दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर तमाम सारे कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं। जैसे ही खबर मिली कि राहुल गांधी लखनऊ का दौरा करेंगे, और अभी खबर आ रही है कि लखनऊ के दौरे के लिए उड़ान भर चुके हैं। राहुल गांधी कुछ ही देर में लखनऊ पहुंचेंगे, जिसको लेकर तैयारियां बहुत सख्त की गई प्रशासन की तरफ से। प्रशासन की पूरी कोशिश होगी कि उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर ना आने दिया जाए। फिलहाल लखनऊ एयरपोर्ट पर सख्त इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन के सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए हैं प्रशासन ने, और जो भी एयरपोर्ट के अंदर आने की कोशिश में है उसे रोका जा रहा है। तो एयरपोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है। सबकी कोशिश है कि एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। इससे पहले कई लोगों को रोका गया, जो पूर्व सांसद हैं राकेश सचान उन्हें हिरासत में लिया गया, और अखिलेश सिंह जो हैं उन्हें भी अंदर आने से रोका गया है। तो लखनऊ एयरपोर्ट में इस वक्त सुरक्षा की दृष्टि से खास इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। लखनऊ एयरपोर्ट की अगर बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। सभी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, राहुल गांधी को सीतापुर जाने की इजाजत मिल गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी को सीतापुर जाने की इजाजत मिली है। उनका कहना था कि वो अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात करना चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि राहुल गांधी को सीतापुर जाने की इजाजत मिली है, तीन लोगों के साथ जाने की इजाजत मिली है। सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी की कोशिश है कि लखीमपुर जाएं, उनका कहना है हम लखीमपुर जाना चाहते हैं तीन लोगों के साथ। उन तीन लोगों में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का नाम शामिल है और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का नाम शामिल है। और जो अभी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो खबर है कि सीतापुर जाने की इजाजत राहुल गांधी को दी गई है। आपको बता दें, सीतापुर के पीएसी गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी वाड्रा को नजरबंद किया गया है। 36 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, अभी भी प्रियंका गांधी वाड्रा सीतापुर के पीएसी गेस्ट हाउस में हैं। उनका कहना है उनको उनके वकील से नहीं मिलने दिया जा रहा है, जो एफआईआर की जो कॉपी है वो उनको नहीं दिखाई जा रही है। और उसके पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि वो अपनी बहन से मुलाकात करना चाहते हैं और लखीमपुर खीरी भी जाना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल जो खबर है इस वक्त मिल पा रही है वो ये है कि सीतापुर जाने की इजाजत राहुल गांधी को दी गई है। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये खबर है, और तीन लोगों को इजाजत दी गई है सीतापुर के पीएसी गेस्ट हाउस में। प्रियंका गांधी वाड्रा को नजरबंद किया गया है। राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी से मुलाकात करने की इच्छा जता चुके हैं। तो फिलहाल राहुल गांधी उड़ान भर चुके हैं, कुछ ही देर में लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर उन्हें आने दिया जाता है या नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर है सीतापुर जाने की इजाजत दी गई है और तीन लोगों के साथ जाने की ये अनुमति मिली है। हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला जुड़ गए हैं। चंद्रमणि, जो खबर मिल पा रही है इजाजत दी गई है सीतापुर जाने की, कितनी सत्यता है इस खबर में?
जी बिल्कुल, अगर बात करें जानकारी के अनुसार ऐसी खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी हैं उन्हें सीतापुर तक के जाने की अनुमति दी गई है, और वहीं बातें ऐसी भी आ रही हैं कि जो लखीमपुर के पीड़ित परिवार हैं उनसे भी मुलाकात की अनुमति दी जा रही है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी जब एयरपोर्ट आते हैं तो उसके बाद के क्या क्रियाकलाप होते हैं। फिलहाल ये निश्चित है कि राहुल गांधी अब कुछ ही देर में लखनऊ एयरपोर्ट आएंगे, और एयरपोर्ट के बाद में वो सीतापुर जाएंगे, और सीतापुर के बाद में बाद की गतिविधियों को देखते हुए उन्हें लखीमपुर में जो घटना हुई, जो पीड़ित परिवार है उनसे भी मुलाकात कराई जा सकती है। जी चंद्रमणि, क्या सरकार दबाव में है, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले जो सिद्धार्थनाथ सिंह थे कैबिनेट मंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि किसी को भी लखीमपुर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जी निश्चित तौर से सरकार पे दबाव कहें या कहें कि जब राहुल गांधी सरकार पर, चंद्रमणि बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीतापुर जाने की इजाजत राहुल गांधी को दी गई। और इस वक्त बड़ी खबर